वाला पूरा का पूरा आपका फार्म भरा चुका है। फाइनली आपका दोनों का दोनों फार्म अभी भरा चुका है। यहाँ पर जहाँ फार्म भेजना है उस जगह का नाम लिखना है। तो इसमें ज्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन ज्यादा लड़के भी इसमें फार्म नहीं भरेंगे। वीडियो जब देखेगा ना तो सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा। जय हिंद एवरीवन। आर्मी और डिफेंस यूनिट के अंदर जो पूरे भारत के लिए सिंपल 10 पास से ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है, तो अभी मैं उसका फॉर्म निकलवा चुका हूँ। इस फॉर्म को किस तरह से भरना है और कहाँ पर भेजना है, कितने रुपए का टिकट लगाना है, ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी। जितने लोगों को भी इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा। और देखो, इसमें ज़्यादा सीट नहीं है, पूरे भारत के लिए सिर्फ 13 सीट है। आप किसी भी कैटेगरी से आते रहोगे, चाहे OBC रहेगा, चाहे SC रहेगा, चाहे ST रहेगा, अगर जनरल में फॉर्म भरना चाहोगे तो भर कर भर्ती देखने जा सकते हो। जैसे पता है कोई कोई ऐसा वैकेंसी है ना, इसमें कुक का है, ALDC का है और भी बहुत सारा ट्रेड है, तो कुछ कुछ में जैसे OBC वालों के लिए एक भी सीट नहीं है, SC वालों के लिए एक भी सीट नहीं है और ST वालों के लिए एक भी सीट नहीं है। आप लोग इसके नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना, अगर आपके कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं रहेगा ना तो आप जनरल से इसमें फॉर्म भर सकते हो। आपको सिर्फ मेहनत लगेगा, ऐसा नहीं है कि 400-500 रुपये आपका नुकसान चला जाएगा। देखो, इसमें फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने में जितना मेहनत लगेगा उतना मेहनत लगेगा, और फॉर्म भरने के बाद आपको पूरा का पूरा फॉर्म और जितना भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा, पूरा डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट ऑफिस पर ले जाना पड़ेगा। और इसको मतलब स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या रजिस्टर पोस्ट करना है, उसमें मतलब 40-50 रुपये लग जाएंगे। तो मिला जुला कर सारा का सारा आपका मेहनत ही लगेगा। जितने लोगों को भी इसमें फॉर्म भरना होगा ना, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और बहुत सारे लोग हाइट के बारे में पूछ रहे थे, तो देखो यार, पूरा नोटिफिकेशन मैं दिखाऊँ, कहीं भी हाइट के बारे में नहीं बताया गया है। और इसमें पहले दौड़ नहीं कराया जाएगा, इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, लेकिन ये भर्ती रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखो, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मतलब इंडियन एयरफोर्स आता है, इंडियन नेवी आता है और इंडियन आर्मी आता है, और ये जो भर्ती निकाली गई है ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है ना। तो चलते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। पूरा फॉर्म भर के तैयार कर चुका हूं और इसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट यहां पर लिख चुका हूं, तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और देखो, ये फॉर्म आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। और यहां से आप लोगों को नीचे वाला फॉर्म निकलवा लेना है, सिर्फ 2 पेज निकलवाना है, एक आपका कॉलिंग लेटर रहेगा और दूसरा आपका पूरा का पूरा फॉर्म रहेगा। तो इस फॉर्म को किस तरह से भरना है आप लोगों को शुरू से देखना है, ठीक है ना। यहां पर लिखा गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर्म, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इसमें बहुत सारा पोस्ट दिया है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जैसे कुक का है, ALDC का है, AMTS का है, वाशरमैन का है। तो मतलब आप जिसमें भी फॉर्म भरना चाहते हो उसका यहां पर नाम लिख देना। अगर कुक में फॉर्म भर रहे हो और OBC के लिए एक भी सीट नहीं है, या SC के लिए एक भी सीट नहीं है, या ST के लिए एक भी सीट नहीं है, तो आप जनरल से इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कोई भी कैटेगरी रहेगा उसमें एक भी सीट नहीं रहेगा तो जनरल से फॉर्म भर सकते हो। जनरल मतलब UR होता है, वो भी मैं आप लोगों को अभी नीचे बता दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो, यहां दूसरा नंबर पर दिया है नेम इन फुल ब्लैक लेटर। देखो, आप फॉर्म भरना तो मतलब ब्लैक पेन से नहीं भरना, ठीक है ना, नीला पेन से फॉर्म भरना और बड़ा लेटर में सारा का सारा अक्षर लिखना, मतलब सबको समझ में आ जाए। तो दूसरा नंबर पर दिया है कि आपको अपना नाम लिखना है, तो बड़ा लेटर में आप अपना नाम लिख देना। फिर यहां तीसरा नंबर पर दिया है सेक्स, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, अगर फीमेल लोग रहेंगे तो यहां फीमेल लिखना है, जो लोग मेल रहेंगे उनको मेल लिखना है, ठीक है ना। और चौथा नंबर पर दिया है फादर या हस्बैंड नेम, तो यहां आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद से पांचवा नंबर पर दिया है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, आपका जन्मतिथि जो मार्कशीट में रहेगा वही लिखना है। और छठवा नंबर पर दिया है एज एज एन लास्ट डेट, मतलब ये दिया है ना कि आप मतलब कितना साल कितना महीना और कितना दिन का हो गए हो, तो आप गिन लेना, जैसे जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो, और मतलब जब फॉर्म भर रहे हो उस दिन का आप लोग गिन लेना। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाले, तो वहां आसानी से बता देंगे सब। फिर आप पता लगा लेना कि आप कितना साल कितना महीना और कितना दिन का हो गए हो, ठीक है ना। उसके बाद से सातवां नंबर पर परमानेंट एड्रेस दिया है, तो आपको अपना पता लिखना है, जैसे आप अपने गांव का नाम लिख देना, उसके बाद से अपने पोस्ट का नाम लिख देना, उसके बाद से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, उसके बाद से आप अपना पिन कोड लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद से आठवां नंबर पर दिया है प्रेजेंट एड्रेस, मतलब जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में एड्रेस है सेम एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन आठवां नंबर पर ना आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। और ये जो ईमेल आईडी डालना उसको आप लोग याद रखना, क्योंकि जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा ना तो ये वाला भी कॉलिंग लेटर आ सकता है और अपने ईमेल आईडी पर मैसेज भी आ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखना। और नौवां नंबर पर दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जितने लोग भी 10 पास से फॉर्म भरेंगे, मतलब 12 का मार्कशीट नहीं रहेगा, तो वो लोग सिंपल यहाँ 10 पास लिख सकते हैं, और जो लोग 12 पास से फॉर्म भरेंगे तो वो लोग 10 और 12 पास दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद से दिया है यहाँ पर नौवा नंबर पर नेम ऑफ एग्जाम पास, तो आपको पहले में लिखना है 10 पास और अगर 12 पास हो तो दूसरे में लिखना है 12 पास, ठीक है ना। और 10 पास कितने सन में किए थे दूसरे खाने में लिखना है, अगर 2020 में किए थे तो 2020 लिख देना, 2018 में किए थे तो 2018 लिख देना, मतलब जितने सन में 10 पास किए थे तो दूसरे खाने में लिख देना। और यहाँ पर आपको लिखना है किस बोर्ड से पढ़े हो, अगर CBSE बोर्ड रहेगा तो CBSE लिख देना, मेरा तो UP बोर्ड था तो मैं UP बोर्ड लिख दिया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया है मतलब 10 में कितना प्रतिशत है और 12 में कितना प्रतिशत है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर लिख देना, और फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है उसको भी यहाँ पर लिख देना। और यहाँ पर दिया है रीमार्क्स, मतलब आप सेकंड मतलब पास हो या फेल हो तो यहाँ पर आपको पास लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि आप पास तो होंगे ही होंगे। उसके बाद से 10वां नंबर पर लिखा गया है एक्सपीरियंस, मतलब इन सब्जेक्ट, जैसे अगर आप कुक में फार्म भरे हो, अब देखो ये वाला आप देख कर नहीं फार्म भरना, मैं तो कुक में भर दिया हूँ, अगर आप LDC में फार्म भरना चाहते हो तो LDC में भर देना, अगर वाशरमैन में फार्म भरना चाहते हो तो वाशरमैन में भर देना, ठीक है ना, इसको आप लोगों को नहीं देखना है। तो जिसमें भी आप फार्म भर रहे हो अगर उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा तो मतलब 10वां में लिख देना यस, और उसका डिटेल्स भर देना, और रजिस्ट्रेशन नंबर वंबर रहेगा तो यहाँ पर भर देना, अगर नहीं रहेगा तो नो लिख देना, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और 11वां नंबर पर दिया है मतलब जैसे आप किस कैटेगरी से आते हो तो यहाँ आपको रियल वाला कैटेगरी भर देना है, अगर आपका OBC रहेगा तो OBC लिख देना, SC रहेगा तो SC लिख देना, ST रहेगा तो ST लिख देना, जनरल रहेगा तो जनरल लिख देना। और जो यहाँ पर 12वां नंबर पर दिया है यहाँ भी कैटेगरी पूछा है लेकिन लिखा है कि कैटेगरी टू विच अप्लाइड, मतलब किसमें आप किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपके कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीट नहीं रहेगा ना तो UR के लिए आप इसमें अगर अप्लाई करोगे जनरल वाले में तो मतलब किसी में भी जा सकते हो, ठीक है, आपका कोई सा भी कैटेगरी रहेगा आप जनरल में फार्म भर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ UR भी लिख दिया हूँ। और जिनका OBC में जो फार्म भरना चाहते हैं अगर उसमें सीट होगा तो OBC भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से 13 नंबर पर दिया है मतलब आप यक्स सर्विस मैन हो या नहीं हो, तो यक्स सर्विस मैन रहेंगे तो यस कर देना है, अगर नहीं रहेंगे तो नो कर देना है, ठीक है ना। 14 नंबर पर दिया है आपका रिलीजन क्या है, मतलब धर्म क्या है, तो जो लोग हिंदू रहेंगे वो हिंदू लिखेंगे, जो लोग मुस्लिम रहेंगे वो लोग मुस्लिम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से 15 नंबर पर आपका नेशनलिटी पूछा है तो आपको इंडियन लिख देना है, और 16 नंबर पर आपको नो कर देना है, 17 नंबर पर भी आपको नो कर देना है, और 18 नंबर पर भी आपको नो कर देना है, ठीक है ना। जैसे पूछा है कि मतलब आपका कोई रिलेशन वाला इंडियन आर्मी एयर डिफेंस में नौकरी करता है क्या, अगर करता होगा तो यस कर देना, और उसका डिटेल्स भी यहाँ पर भर देना, ठीक है ना। 19 नंबर में मतलब इसको आप लोगों को छोड़ देना है, जो लोग LDC में फॉर्म भरेंगे उनको इंग्लिश या हिंदी जैसे जो टाइपिंग करना होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर सिंपल 10 पास से भरे हो तो कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं होगा तो उसको यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद से नीचे आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ जो सिग्नेचर लिखा गया ना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो इसके ऊपर आप लोगों को अपना सिग्नेचर कर देना है, और जिस दिन को ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का यहाँ पर डेट होना चाहिए। फाइनली एक वाला जो है ना ये वाला पूरा का पूरा आपका फॉर्म भरा चुका है, और यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, और जो फोटो लगाना मान लो ये वाला हमारा फोटो है, तो फोटो लगाने के बाद से देखो बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करना है, इस फोटो पर यहाँ पर आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है, और जो आपका फोटो रहेगा ना आपका चेहरा दिखना चाहिए, मतलब अपने फोटो के नीचे यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, उसका मतलब होता है सेल्फ असिस्टेड, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा जैसे फार्म पहला वाला फार्म, और जो दूसरा वाला फार्म है देखो पार्ट भी यहाँ पर लिखा गया है, जब मैं आपको ये वाला नोटिफिकेशन भेजूंगा ना तो देखो सबसे ऊपर आपको पार्ट ए वाला फार्म मिल जाएगा, ये वाला फार्म मिल जाएगा, और नीचे आपको काल लेटर वाला फार्म मिल जाएगा। तो इस वाले फार्म पर भी आपको अपना एक फोटो चिपका देना है, और जब फोटो चिपकाना ना तो फोटो पर मतलब आप अपना सिग्नेचर कर देना, ये सेल्फ असिस्टेड होता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है टू, तो आपको अपना एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर जो अपना एड्रेस लिखोगे ना इसी एड्रेस पर आपका ये वाला कॉलिंग लेटर आएगा, तो अपना पूरा का पूरा फुल एड्रेस लिख देना, आपका गाँव कहाँ है उसका नाम लिख देना, उसके बाद से अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर अपने स्टेट का नाम, फिर अपना पिन कोड लिख देना। उसके बाद से आपको यहाँ पर लिखा गया है फॉर ऑफिशियल यूज, तो इसमें आप लोगों को कुछ भी टच नहीं करना है, जब आप अपना पूरा फार्म भर के भेजोगे ना तो उधर से मतलब ऑफिस की तरफ से ये पूरा फार्म भर के आएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फाइनली आपका दोनों का दोनों फार्म अभी भरा चुका है। ये पूरा फार्म भराने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो। देखो सबसे पहला नंबर तो 10 और 12 का मार्कशीट का फोटोकॉपी लगा देना है, अगर 12 का मार्कशीट नहीं रहेगा तभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 का मतलब फोटोकॉपी लगा देना, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगाओ, अगर नहीं है तो नहीं लगाना। तीसरा नंबर पर आपको अपना जात प्रमाण पत्र लगाना है, 4 नंबर पर आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, और ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके जो गांव के प्रधान रहेंगे वो आसानी से बना देंगे, ठीक है ना। और 5वां नंबर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आपके ऊपर कोई केस वोस नहीं ना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको आप लोग लगा देना। और 6वां नंबर पर 25 रुपये का
टिकट लगाना है तो किस तरह से लगाना है अभी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। और सातवां नंबर पर आपको दो फोटो जैसे लगा लेना है, दो फोटो कहाँ पर रखना है अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आठवां नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, उसके बाद से आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक सर्टिफिकेट का फोटो कापी लगा लेना। और यहाँ पर मैं इसको साइड में इसलिए लिखा हूँ, यहाँ पर लिखा गया है वाइल्ड नेटिविटी सर्टिफिकेट, मतलब ये तहसील से बनता है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसलिए इसको मैं साइड में लिख दिया हूँ। नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि ये भी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये आपको तहसील से बन जाएगा, आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के इसको देख लेना, ठीक है ना। इतना सर्टिफिकेट लेने के बाद और इतना पूरा फार्म भरने के बाद इस तरह से आप लोगों को दो लिफाफे का ज़रूरत पड़ेगा, और ये दो लिफाफा जहाँ किताब कापी मिलता है ना वहाँ पर बोल देना कि हमको दो लिफाफा चाहिए, एक छोटा लिफाफा ले लेना और एक बड़ा लिफाफा ले लेना। सब कुछ रेडी हो चुका है, अब आपको क्या करना है, देखो ये आपका फार्म रहा और जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ पूरे डॉक्यूमेंट का फोटो कापी करा लेना, उसके बाद से इस फार्म के साथ पूरा डॉक्यूमेंट लगा देना, ठीक है ना। पूरा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद इसको अच्छे से निमोर चिमोर लेना है, इस तरह से अच्छे से, मतलब इसको निमोर चिमोर लेना है, अपने भाषा में बता रहा हूँ। मान लो इसको अच्छे से आप रख लियो, उसके बाद से दो इस तरह लिफाफे का जरूरत पड़ेगा, तो एक बड़ा लिफाफा रहेगा और एक छोटा लिफाफा रहेगा। जो छोटा वाला लिफाफा रहेगा ना उस पर आप लोगों को 25 रुपये का टिकट लगाना है, और ये जो 25 रुपये का टिकट रहेगा ये आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा। 5 रुपये का एक टिकट मिलता है, कहीं कहीं 1 रुपये का एक टिकट मिलता है, कभी कभी 10 रुपये का एक टिकट मिलता है, तो मतलब कितने रुपये का भी टिकट रहेगा 25 रुपये का टिकट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा पूरा टिकट चपका देना है एक लिफाफे पर, और यहाँ 2 लिख देना है। 2 लिखने के बाद आपको अपना नाम लिख देना है, और जहाँ पर इस जैसे जहाँ पर भेजना है वहाँ का एड्रेस नहीं लिखना है, मतलब आपको अपना पूरा फुल एड्रेस इस वाले लिफाफे पर लिख देना है। जिस लिफाफे पर 25 रुपये का टिकट चपकाओगे उसी लिफाफे पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ आप अपना नाम लिख देना, फिर सन आप लिख देना, मतलब अपने पिताजी का नाम लिखना, फिर यहाँ ADD मतलब एड्रेस लिखकर नीचे आप अपने विलेज का नाम लिख देना, उसके बाद से दूसरा नंबर पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, उसके बाद से अपने स्टेट का नाम लिख देना, उसके बाद से अपने पिन कोड लिख देना, उसके बाद से आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। एक लिफाफा आपका तैयार हो जाएगा, उसके बाद से ये जो बड़ा वाला लिफाफा है मतलब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भी लिखना है, और जहाँ पर इस फार्म को भेजना है उसका एड्रेस भी लिखना है। और ये सबसे ज़रूरी है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को गलती नहीं करना है। ये एड्रेस मतलब नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है और यहाँ पर भी मैं साफ साफ लिख दिया हूँ। मतलब सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुक यहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर एंड लिखना है, और आपका कैटेगरी क्या है उसको भी यहाँ पर लिख देना है, रियल वाला कैटेगरी लिखना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर फॉर्म करना है, उसके बाद से आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर स्वनाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद से ADD मतलब एड्रेस लिख देना, यहाँ नीचे आपको अपने विलेज का नाम लिखना है, दूसरा नंबर पर डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तीसरा नंबर पर पोस्ट ऑफिस लिखना है, चौथा नंबर पर स्टेट लिखना है, और पाँचवा नंबर पर पिन कोड लिखना है, छठवां नंबर पर आप अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल देना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर जहाँ फार्म भेजना है उस जगह का नाम लिखना है, तो यहाँ पर पहले 2 लिख देना है, उसके बाद से 2 लिखना है, उसके बाद से कमांडेंट लिखना है। इसका स्पेलिंग आप लोग नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना, ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद से आर्मी AD सेंटर यहाँ गंजम ओडिशा, और पिन कोड है 76-10-52, तो ये पूरा एड्रेस लिख देना है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद डॉक्यूमेंट का फोटो कापी लगाए हो, सभी डॉक्यूमेंट के पीछे इस तरह से सेल्फ असिस्टेड लिख देना है, और यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर कर देना है, और जिस दिन आप लोग अपना फॉर्म भरने जाना उस दिन का डेट यहाँ पर लिख देना है। सभी डॉक्यूमेंट के पीछे इस तरह से होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। देखो ये जो लिफाफा है, इस लिफाफे के अंदर ये जो छोटा वाला लिफाफा है जिसमें आप टिकट लगाए रहोगे, इस छोटे वाले लिफाफे के अंदर आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट भी डाल देना है, और ये वाला फार्म भी डाल देना है, अच्छे से इसको चौपोत लेना। जब ये वाला पूरा फार्म इस लिफाफे के अंदर पड़ जाएगा तो ये वाला लिफाफा इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर पड़ा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इसके अंदर सब पड़ गया है और इसके अंदर सब पड़ जाएगा, उसके बाद से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने पोस्ट ऑफिस पर जाना, फिर ये बड़े वाले लिफाफे के अंदर सारा का सारा डॉक्यूमेंट रहेगा और सारा फार्म रहेगा, और ये वाला आप अपने पोस्टमैन को दे देना, वो इस एड्रेस पर पूरा फार्म भेज देगा, और आसानी से आपका जो ये वाला फार्म है जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाएगा। और आप लोगों को स्पीड पोस्ट नहीं करना है, रजिस्टर पोस्ट करना है, पोस्ट करना है या ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, ठीक है ना। लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें ज्यादा सीट तो नहीं है, लेकिन ज्यादा लड़के भी इसमें फार्म नहीं भरेंगे। पहला नंबर तो जब सीट देखेंगे तो बोलेंगे यार इतना कम सीट है, इसमें कौन फार्म भरने जाएगा। और दूसरा नंबर किसी किसी को कोई बात समझे में नहीं आया होगा, लेकिन मेरा वीडियो जब देखेगा ना तो सारा का सारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोगों को फार्म भरना होगा भर देना। अब देखते हैं अगली भर्ती कौन सी निकलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।